लखनऊ से खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया का बयान सामने आया है। कहा, गठबंधन की सरकार बन रही है, जनता ने खटाखट बटन दबाया। अनादि टीवी से बातचीत में उन्होंने कहा, जनता ने भरपूर साथ दिया है, खटाखट बटन दबाया है, दबा बटन दबाकर गठबंधन को आगे किया है। तनुज पुनिया का कहना है, देश में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बड़ी बढ़त को लेकर सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनवाते। देखिए, इस समय तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जनता ने जिस तरह से ईवीएम में खटाखट 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 वोट भरे हैं, उसी तरह से जो है मोदी जी की सरकार भी अब फटाफट 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 निकलने वाली। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत ज़्यादा मतों से बहुत ज़्यादा सीटों पे निकल रहे हैं और सरकार बननी तय है अपने इंडिया गठबंधन के साथ। पुनिया कह रहे हैं, खटाखट बटन दबाया जनता ने और गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ाया है। ये बयान आया है तनुज पुनिया का, कांग्रेस प्रत्याशी हैं। और देखिए, आप टेली देखना शुरू कर दीजिए तो यहां पर आप नंबर्स देखेंगे, अब नंबर्स में चेंजेस आ गए हैं क्योंकि कई जगहों पर बीजेपी ने सीट जीत ली है, तो कहीं जीत दर्ज कर ली है, तो कहीं जो अभी रुझान हैं उनमें अभी और भी इंतजार की बात तमाम दल कहते हुए, दोनों ही खासतौर पर इंडिया और एनडीए दोनों की तरफ से सामने आ रही है। वहीं अलग अलग राजनीतिक परिदृश्य भी बनते हुए नजर आ रहे हैं, जहां हाल ही में खबर आई कि सम्राट साहब पहुंचे थे नीतीश जी से मुलाकात करने के लिए, नीतीश जी ने कहा मैं लंच करने जा रहा हूँ, और इस तरह की और भी ऐसी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं अलग अलग जगहों से। क्योंकि अब देश में सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी और तोड़फोड़ कौन करेगा, कौन किसके साथ जाएगा, या फिर बीजेपी सरकार बना रही है या फिर जो विपक्षी अलायंस है इंडिया, वो कह रहे हैं हम भी सरकार बना रहे हैं, तो उनकी तरफ से पीएम कौन बनेगा, जो दल हैं आपस में मिलजुल कर आगे भी बढ़ेंगे, कई सारे सवाल अब पैदा होते हुए दिख रहे हैं।